आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा पॉकेट्स। ये आप शाम के नाश्ते में भी बना सकते हैं और किसी फंक्शन के स्टार्टर में भी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक डो बनाएंगे, जिसके लिए हमने एक कप मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून सूजी, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा हरा धनिया। हम इसे अच्छे से नीट करके एक डो बना लेंगे। तो डो हमारा रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर को रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक ये रेस्ट हो रहा है, हम अपनी फिलिंग बना लेंगे। तो फिलिंग के लिए मैंने एक कुकर में ऑयल गरम किया है। एक टीस्पून ज़ीरा डालेंगे, 1/2 कप के आसपास अनियन, इसे मैंने बारीक काट लिए, अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए प्याज हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसमें 1 कप कीमा डाल देंगे। कीमा नॉर्मल है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा बारीक है। इसे अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। ये सारे मसाले हम कीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसमें हम 1/2 कप पानी डालेंगे और इसे 2-3 विसल्स के लिए पका लेंगे। देखिए वो हमारा पक गया था। हमने इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि हम इसे अच्छे से फ्राई कर सकें। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, सारा जो पानी है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। इसे हम अच्छे से फ्राई करके ठंडा कर लेंगे। तो यह कीमा हमारा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, ठंडा हो गया है। अब हम इसमें 2-3 हरी मिर्च बहुत बारीक कटी हुई डाल देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह चिली फ्लेक्स यूज़ कर लें। ये मैंने 1/2 कप के आसपास प्याज लिए, बहुत बारीक काट लिए, इसे भी इसके साथ मिक्स कर लें। थोड़ी धनिया लिए, ये 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फिलिंग हमारी रेडी है। अब हम वापस आते हैं डो के पास। तो डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। हम इसे थोड़ा सा और नीट कर लेंगे। हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। देखिए अब ये एक बॉल मैंने लिया और इसे हम बेल लेंगे। तो अब हम इसमें अंदर अपनी स्टफिंग भरेंगे। से बराबर कर लेंगे। इस साइड्स में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे। इसे बंद कर देंगे, अच्छे से उंगलियों से शेप दे देंगे। अब एक चाकू की हेल्प से एक्स्ट्रा साइड्स को हम कट कर देंगे। एक फोक की हेल्प से हम साइड्स में थोड़ा सा डिज़ाइन बना देंगे। इससे डो साइड से चिपक भी जाता है अच्छे से। इसी तरह हम सभी बॉल्स के पॉकेट्स बना लेंगे। देखिए
अब इसका एक और तरीका है कि हम दो स्लाइस के ब्रेड लें। अगर हम डो नहीं बनाना चाहते हैं या फिर हमारी फिलिंग बच गई है तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ग्लास की मदद से हम इसे सर्कल शेप में काट कर लेंगे। अब इन्हें हम एक बेलन से थोड़ा सा बेल लेंगे। इनके साइड्स में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। अब हम इसमें अपनी फिलिंग रखेंगे अच्छे से सेंटर में रखेंगे और एक दूसरे के ऊपर रख के सही से प्रेस कर देंगे और साइड्स को अच्छे से दबा देंगे ताकि लॉक हो जाए। अब चाहे तो इन्हें ऐसे बनाएं या फिर आप डो की हेल्प से बनाएं, दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए, कढ़ाई में मैंने तेल गरम किया है। इसमें हम एक छोटा सा टुकड़ा डाल के चेक कर लेंगे कि तेल हमारा अच्छे से हो गया है गरम कि नहीं। हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो हमारे जो पॉकेट्स हैं वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो अब हम इसमें एक एक करके डालेंगे। बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं करना है हमें, बस इतने डालें जो कि आपस में चिपके नहीं। अब हम इन्हें हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, एक हमने पलट के देखा, एक साइड से हो गया। हम बाकी सबको भी ऐसे ही पलट देंगे। दोनों साइड से ऐसे ही गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है। इससे बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, दोनों गोल्डन फ्राई हो गए हैं अच्छे से, दोनों ही साइड से हुए हैं, बहुत प्यारा कलर आया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी पॉकेट्स को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, मैंने सर्व किया है, कितना प्यारा कलर आया है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, इसे मैंने हल्का सा ऑयल लगा के तवे पे फ्राई कर लिया है। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। आप भी इसे ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी।